आप बड़े जगदीश बेड़ी भवदल बीच में गुरु तारो विश्वा भी सतगुरु जिनका नाम है जिनका भट के भीतर दाम है ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है राम जी राम राम जी राम गुरु रे गोविंद दोनों खड़े और किन के लागू पा गुरु रे गोविंद दोनों खड़े न किन के लागू पा बलिहारी गुरुदेव को गोविंद दी गुरु गोविंद दोनों खड़े और किन के लागू पाव बलियारी गुरुदेव ने तो गोविंद दियो गुरु की कृपा से गोविंद का दर्शन हुए जब तक गुरु की कृपा नहीं हुए तब तक गोविंद का दर्शन नहीं हुए भाई गुरु मुखी होना जरूरी है और देवन के गुरुदेव और आप बड़े जगदीश बेड़ी भवदल बीच में गुरु तारे विश्वा बीस तार जी आकार देवना हरू कर दो आकार आज जागा होगी खाली हम थे नहीं देव की थोड़ा घना देर हारो करो अर्जुन कोई बैठा है मुंडो पीछे बैठा है हाँ तो क्या सतगुरु जिनका नाम है जिनका घट के भीतर धाम है ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है कहने भगवान बार जो व्यापारी नव नारायण देव भगवान बनाएगा एड़े दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम संतों ने ये बात लिखी है पर वास्तव में बहुत अच्छी बात लिखी है हर मनुष्य जीवन मैंने जो भी आयो भी रहे कामरी बात है चाहे गाँव नाल हो चाहे सरोसागण हो चाहे साउंडाल हो चाहे कोई भी हो सब ने लागू है तो वचन लिखे और संत महात्मा कहे कहीं गुरु री व्यामंद करे और कहीं बात बने अरे प्रीति गुरारी भली रे रावणिया जोगी ओ प्रीति गुरा की हे भली रे रावणिया जोगी मस्ताना जोगी रे प्रीत गुरा की भली Oh,
मनुष्य आदमी ने चेतन होना जरूरी हुए चेतन हो जरे मुसाफिर गाड़ी चलने वाली है चेतन बिना कुछ नहीं है और चेतन हुए यदि कोई जीव जागृत हुए और जब तक चेतन नहीं हुए जिस तक कुछ नहीं हुए ज्यादा कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी है अरे चेतन संग संग भरी
बोले सत गुरुदेव भगवान की मात पिता गुरुदेव की सत्संग गंगा की यो फसना लागियो टैंक ठकनाक लगे छोरन हवाई को लागे प्रीत गुरारी भली रे रावणिया जोगी प्रीत गुरा की भली संतों ने बड़ी अच्छी बात लिखी है दाल जी ये क्या करे थार तार जी हेलो सही है सतगुरु के दरबार